गांधी का बहुत प्रिय भोजन भजन था। हर जब वो संकट में फंस जाते थे, समस्या से उलझ जाते थे, तो महात्मा गांधी शांत चित्त बैठते थे, गायत्री महामंत्र का स्मरण करते थे और वैष्णव जन तो तेरे कहिए ये भजन गुनगुनाते थे। हमारे संतों ने, ऋषियों ने बताया है वैष्णव कैसा होता है, है? कहा गया है कि आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, भीतर से हंस बने बैठे, ऊपर से भीतर विषधर नाग, है ना। आज समस्या बहुत गड़बड़ा रही है। माला बनाई काष्ट की, इसमें डाला सूत, माला बिचारी क्या करे जपने वाला कपूत। बेस बनाया साधु का, बेस बनाया साधु का, माला पहनी चार, हंस बने बैठे ऊपर से भीतर विषधर। हम किस पर विश्वास करें, किस पर विश्वास करें? आज इसी वेश को पहनकर कई सारे लोग संसार के सभी श्रद्धालु लोगों को लूट रहे हैं। इसलिए भागवत भगवान कहते हैं, अपने भीतर में भगवान है, उसको जगाओ। संत, सच्चे संतों, सच्चे सदगुरु का शरण लेकर हम अपने हृदय में भगवान के प्रति ऐसी श्रद्धा और निष्ठा जागृत करें ताकि हमारी सच्ची भक्ति जागृत हो। जब भक्ति जागृत होती है तब ज्ञान और वैराग्य जागृत होते हैं। परम पूज्य डोंगरी जी महाराज कहते हैं कि ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, ज्ञान के बिना भक्ति अंधी है, और भक्ति के बिना ज्ञान पंगु है। इसलिए हमें दोनों का सहारा लेकर भक्ति करनी है। नारद जी ने भागवत कथा की तब भक्ति के ज्ञान और वैराग्य में थोड़ा सा जागरण हुआ। कहा गया है कैसे हम सत्संग से अपनी भक्ति को दृढ़ कर सके, उसका स्मरण हम कल करेंगे। आइए 2 मिनट के लिए हम संकीर्तन।